हेलो अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों, डेली न्यूज़ सीमांचल से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज है सातवें महीने का पहला तारीख, 1 जुलाई 2019। तो आज के सीमांचल सहित पूरे बिहार की टॉप 20 न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। एक से 23 जुलाई तक पूर्णिया जिले के सभी मदरसों में मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के तहत आर्थिक हल युवाओं को बल योजना में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री सहायता भत्ता योजना एवं कुशल युवा कार्यक्रम का प्रचार प्रसार किया जाएगा। इस दौरान ज्यादा से ज्यादा युवाओं को योजना का लाभ दिलवाने के लिए पूर्णिया के सभी इंटरराष्ट्रीय मदरसे में कैंप के माध्यम से प्रचार प्रसार और काउंसलिंग करवाया जाएगा। बिहार के विद्यार्थियों को टीचर अब भी देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बता रहे हैं। ये गलत जानकारी, किसी प्राइवेट स्कूल में टीचरों द्वारा विद्यार्थियों को नहीं सिखाया जा रहा है, बल्कि ये बिहार सरकार की ओर से 10वीं कक्षा के लिए अर्थशास्त्र बुक में छापा गया है। अर्थशास्त्र विषय के अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास चैप्टर के पेज नंबर 9 पर अंकित है, जिसमें लिखा गया है कि अभी वर्तमान में भारत का प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह है। बिहार के मधेपुरा जिला में हैवानियत का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। बिहार पुलिस का एक सिपाही पहले तो एक महिला की अस्मत को 3 साल तक तार तार करता रहा, उसके बाद जब महिला शादी के लिए दबाव बनाया तो शादी से इनकार कर दिया और मारपीट करने लगे। हालांकि मधेपुरा एसपी कार्यालय में पदस्थापित इस आरोपी सिपाही की करतूत सामने आने पर एसपी ने त्वरित संज्ञान लिया है और उसे लाइन हाजिर कर दिया है। सुपौल सदर थाना क्षेत्र के हरदी में ग्रामीणों ने अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर सड़क जाम कर दिया। सुपौल सिंहेश्वर SS66 को जाम करते हुए ग्रामीणों ने सरकार और प्रशासन के विरुद्ध में नारेबाजी लगाए। कटिहार बरौनी रेलखंड के बेगूसराय जिला के अंतर्गत उमेश नगर रेलवे स्टेशन पर हथियार बंद बदमाशों ने रेलवे स्टेशन पर लूटपाट की है। घटना की सूचना मिलने पर खगड़िया के प्रभारी मानसी RPF इंस्पेक्टर और खगड़िया GRP थाना अध्यक्ष पहुंचकर जानकारी ली। ये घटना रात के 1 बजे की बताई जा रही है। सुपौल के किशनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत NH57 पर कोसी महासेतु के पास एक बस पलट जाने से उसमें सवार 20 यात्री घायल हो गए हैं। गंभीर रूप से घायल 3 यात्रियों को CSC भपटिया से सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। बस सिलीगुड़ी से पटना जा रही थी। पटना प्रमंडल के निजी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी तय करने के लिए कमेटी गठित कर दी है। पटना प्रमंडलीय के आयुक्त की अध्यक्षता में 7 सदस्यों की टीम गठित कर दी गई है। इसका नाम शुल्क विनियम समिति दिया गया है। कमेटी की सिफारिश को अगले साल यानी 2020 को लागू किया जाएगा। अब नया सत्र शुरू होने से पहले सभी स्कूलों को फीस की पूरी जानकारी वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। छपरा मुजफ्फरपुर NH722 पर भेल्दी थाना के सराय बक्स पलवा पुल पर बोलेरो और ट्रैक्टर की सीधी टक्कर में बोलेरो पर सवार एक ही परिवार के आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। अक्टूबर महीने में विश्व शांति परिषद का वार्षिक सम्मेलन होने वाला है। इसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के भी शिरकत होने की संभावना है। इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर में बन रहे नए रोपवे निर्माण का बारीकी से जायजा लिया। बिहार में NDA सरकार के सामने एक विरोधाभास की स्थिति बन गई है। दरअसल पश्चिम बंगाल में BJP की सियासी दुश्मन ममता बनर्जी के चुनाव मैनेजमेंट की जिम्मेदारी प्रशांत किशोर ने अपने हाथों में ले ली है, जबकि प्रशांत किशोर बिहार में BJP के सहयोगी पार्टी JDU की उपाध्यक्ष हैं। ऐसे में राज्य में विरोधी पार्टी बिहार में गठबंधन सरकार पर हमलावर हो गई, जबकि प्रशांत के ममता बनर्जी से जुड़ने के कारण BJP असहज हो गई। बिहार की राजनीति में विपक्षी दलों द्वारा लगातार नीतीश सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है, जिसमें कहा गया है कि नीतीश बाबू को 90 के पहले के बिहार को पुनर्जीवित करने के लिए सफलता पाने की बधाई हो। बिहार के पूर्णिया में दहशत का दूसरा नाम बन चुके खुनखुनिया गिरोह का सरगना अब्दुल रज्जाक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना रोहटा और अनगढ़ थाना की सीमा पर पीपलपरा गांव की है। खुनखुनिया पर पश्चिम बंगाल, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज जिले में दर्जनों संगीन मामले दर्ज हैं। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि गोली उनके सीने में लगी और घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। उसकी पत्नी के पैर में भी गोली लगी है। हत्या का आरोप कभी उसके दोस्त रहे अबू हयात और उसके भाई पर लगा है। बिहार में उच्च शिक्षा का मजाक किस तरह उड़ाया जा रहा है, इसका नमूना पश्चिमी चंपारण जिला मुख्यालय से 1 किलोमीटर दूर MJK कॉलेज है। यहाँ छात्रों का नामांकन किया जाता है, लेकिन पढ़ाई बिल्कुल ही नहीं होती है। बिना ज्ञान पाए छात्रों का फॉर्म भी भरा दिया जाता है। इस कॉलेज में पढ़ाई होती है न क्लास, फिर भी अधिकांश छात्र पास हो जाते हैं। जी हाँ, ये सच है, यहाँ के छात्र पढ़ाई तो नहीं करते हैं, लेकिन अच्छे अच्छे अंक लाकर पास हो जाते हैं। बिहार में चमकी यानी AES से सियासत गर्म है।
इसी मामले को लेकर लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश कुमार का इस्तीफा मांगा है। उन्होंने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना विफलताओं को छुपाने के लिए मंगल पांडे से इस्तीफा मांग रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बिहार सरकार की उदासीनता के कारण बच्चों की मौतें हुई है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। ध्यान दिया होता तो आज इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। उन्होंने कहा कि इसीलिए वे 2 जुलाई से मुजफ्फरपुर से पद यात्रा निकालेंगे और 6 जुलाई को पटना में संपन्न करेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी इस यात्रा का नाम नीतीश हटाओ भविष्य बचाओ होगा। पश्चिम चंपारण जिले के पुरुषोत्तमपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत हाजमा टोला गांव के पास 2 बाइक पर सवार 5 बदमाशों ने हिंदुस्तान यूनियन लेबर कंपनी के मुंशी को पीट कर 2.5 लाख रुपए लूट लिए हैं। घायल मुंशी नरेंद्र ठाकुर को इलाज के लिए मरजादवा स्थित एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। सिवान में 3 जुलाई से नियमित टीकाकरण के रूप में रोटा वायरस वैक्सीन का टीकाकरण शुरू होगा। ये सिर्फ सिवान में ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में एक साथ शुरू हो रहा है और देश में टीकाकरण शुरू करने वाला बिहार 11वां राज्य बना है। तो दोस्तों आज का न्यूज बस यहीं तक। कैसा लगा आप लोगों को आज का न्यूज, जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं किसी भी लाइव पर तो नीचे रेड कलर का बटन होगा वहां पर क्लिक कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं।